तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू यामाहा XSR 155। इस गाड़ी का इंडिया में हर कोई इंतजार कर रहा है। आज मैं आपके लिए इसका फुल डिटेल रिव्यू लेके आया हूँ। आज की वीडियो में हम जानेंगे यामाहा की XSR 155 क्या स्पेशल आपके साथ ऑफर करती है। ये गाड़ी आपकी यामाहा MT-15 V2 जो कि आपको इंडिया में ऑफर की जाती है उसी का क्लासिक अवतार है। और डिज़ाइन फ्रंट से देखेंगे तो गाड़ी बहुत शानदार लग रही है। फीचर फ्रंट में भी आपको बहुत कुछ इसमें दिया गया है। कंफर्ट के मामले में XSR मुझे यामाहा MT-15 से ज़्यादा कंफर्टेबल लगी। बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल सीटिंग दी गई है। एक तरीके से आप इसको जैसे होंडा CB350 का RS अवतार आता है हाईनेस के ऊपर, वही चीज़ समझ सकते हैं। बहुत शानदार गाड़ी बनाई गई है। बाकी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज मैं आपके लिए यामाहा XSR 155 का वर्ल्ड GP 60th एनिवर्सरी लेके आया हूँ, जिसमें ये स्पेशल कलर टोन आप देख रहे हैं, साथ ही अलॉय का डिज़ाइन आप देखेंगे, बढ़िया कलर टोन के साथ है। और जो इंजन ऑप्शन आपको मिलते हैं, जिस तरीके के फीचर है वो देखने वाले हैं। पहले एक बार आप इस गाड़ी को देख लीजिए, किस तरीके का पूरा कलर पैकेज है। अभी यामाहा ने अपने 60th एनिवर्सरी के साथ एक नया कलर निकाला है जो कि आपके सामने है, वाइट और रेड का कॉम्बिनेशन है और इसको स्पोर्ट्स हेरिटेज कहते हैं। बहुत शानदार लग रहा है। साथ ही यहाँ पर ऑल ब्लैक शेड भी आपके सामने है जो कि एक क्लासिक लुक के साथ है और बहुत बढ़िया लग रहा है। इसमें आपको सेम इंजन मिलेगा जो कि आपको यामाहा की MT-15 के अंदर दिया जाता है, जो कि 155cc का है, 19 हॉर्स पावर देता है, बहुत शानदार इंजन है और लिक्विड कूल्ड है। लेकिन मेन बात है इस गाड़ी का डिज़ाइन, तो डिज़ाइन से ही शुरू करते हैं। क्या गाड़ी का डिज़ाइन बनाया गया, मतलब इंडिया में यामाहा आज तक इसको नहीं ला रही है। हमने इससे पहले देखा कि यामाहा ने FZX को इंडिया में लॉन्च करा लेकिन इसको नहीं लाई, जबकि ये बहुत शानदार प्रोडक्ट है। जिस तरीके से रॉयल इनफील्ड अपनी हंटर को लॉन्च कर चुकी है, बाकी कंपनियां इस सेगमेंट में आना चाहती है स्क्रैम्बलर लुक के साथ, एक रेट्रो लुक के साथ। ये गाड़ी ऑलरेडी इतनी शानदार गाड़ी है, फिर भी यामाहा इंडिया आज तक इसको नहीं ला रही है। बट अगर इसके डिज़ाइन को देखेंगे तो देखते हैं क्या कुछ ऑफर किया गया है। तो यहाँ पर इसके हेडलैम्प की ओर देखेंगे तो रेट्रो इंस्पायर्ड में हेडलैम्प दिए गए। XSR की बैजिंग है, ऑल LED सेटअप है। जिस तरीके से इंडिया में आपको MT-15 में नॉर्मल हैलोजन वाले टर्न इंडिकेटर मिलते हैं, वही चीज़ वहाँ भी है, यहाँ भी है। साथ ही USD सस्पेंशन इसमें ऑफर किए गए। मैं देख रहा हूँ जो आपको इसमें डिस्क ब्रेक मिलती है, ये बेसिक मिलती है जिस तरीके से MT में भी मिलती है, तो वही चीज़ यहाँ भी है। लेकिन जो इसका डिज़ाइन है ना, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट करता है इसकी हर एक चीज़ के साथ। जो अलॉय है वो भी गोल्डन टोन के साथ है, काफ़ी लोगों को पसंद आएंगे, काफ़ी लोग चाहेंगे नॉर्मल जो ब्लैक शेड है, हमें वही पसंद है। जो यहाँ पर टायर आप देख रहे हैं, ये डुअल पर्पज़ टायर है, एक तरीके से स्क्रैम्बल लुक है, तो ख़राब रास्ते में भी टायर चल जाएंगे और अच्छे रोडों के लिए भी बने हुए हैं। लेकिन जो MT-15 में आते हैं ये सिर्फ और सिर्फ शहरों के लिए ज़्यादा बढ़िया रहते हैं। बाकी फ्रंट में आपको उसमें 282mm की डिस्क ब्रेक मिलती है, 282mm की डिस्क है, और जिस तरीके से MT-15 में मिलती है वही सेम साइज़ है, और साथ ही 220mm की डिस्क आपको रियर में दी गई है। बाकी गाड़ी का डिज़ाइन बहुत शानदार बनाया गया है, मतलब अल्टीमेट चीज़ है। जिस तरीके से इंडिया में अभी आपकी MT-15 की शोरूम कीमत शुरू हो रही है 1.65 लाख रुपीज़ से, और गाड़ी करीब 2 लाख रुपये ऑन रोड में आपको मिल जाती है। लेकिन उस गाड़ी से ज़्यादा बढ़िया पैकेज ये है, सेम प्राइसिंग में आ सकता है, ज़्यादा प्राइसिंग बढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं है। और अभी जिस तरीके से रॉयल इनफील्ड की हंटर बहुत अच्छे सेल्स फिगर कर रही है, ये गाड़ी उससे ज़्यादा बेटर कर सकती है। क्योंकि जो सबसे बढ़िया एडवांटेज है इसके पास, इसका इंजन इतना ज़्यादा रेव हैप्पी इंजन है, साथ ही 45+ के MPL का माइलेज ये गाड़ी बहुत आसानी से देती है। उसी तरीके से देखेंगे गाड़ी के इंजन की ओर, तो यहाँ पर आपको यामाहा का डेल्टा बॉक्स जो पूरा चैसी स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ अगर आप देखेंगे R15M जो कि इंडिया में मिल चुका है आपको, लेकिन मेन बात है भाई साहब, इस सेगमेंट से ज़्यादा पॉपुलैरिटी इस सेगमेंट को मिल सकती है। हर एक चीज़ इसमें है, पावरफुल इंजन है, दमदार टायर्स हैं, अच्छी लाइटिंग है, अच्छा सीटिंग स्पेस है, 810mm की इसकी सीट हाइट है, मतलब जिस बंदे की हाइट 5.5 फिट है वो भी इसमें आराम से बैठ के चलेगा, और जो 6 फिट की हाइट वाला है उसके लिए तो बहुत सही गाड़ी है, और बिल्कुल बजट में 2 लाख की रेंज में आ सकती है गाड़ी। उसी के साथ देखेंगे गाड़ी के साइड, तो यहाँ पर आपको पूरा क्लासिक लुक के साथ क्लस्टर दिया गया है, सर्कुलर रखा गया है, मेटलिक इसमें बेजल दी गई है और बहुत बढ़िया दिख रहा है। कुछ देखेंगे यहाँ पर ब्लैक टोन है, साथ ही ये इसकी कुछ की मिलती है बेसिक सी, जो कि ज़्यादा शोबाजी नहीं है लेकिन क्वालिटी अच्छी है। और इस तरीके से जो थोड़ा वेदर प्रोटेक्शन है उसके लिए भी यहाँ पर ऑफ़र किया गया है। लॉक अनलॉक ये सारे फंक्शन इसमें आप देख ही सकते हैं। बाकी गाड़ी में क्या कुछ ऑफ़र किया गया है, तो यहाँ पर देख रहे हैं तो किल स्विच है, उसी के साथ स्टार्ट का भी सिस्टम यही है, जो लीवर है क्वालिटी बहुत शानदार है, मेटेलिक एंड बार्स दिए गए, बढ़िया लीवर्स है यहाँ पर, साथ ही ये इसके मिरर आपको पीछे वाली गाड़ी में दिखाऊंगा। ये सारे आप देखिए ना, क्वालिटी अच्छी होती है यामाहा की, ये चीज़ मानने वाली बात है, मतलब बिल्कुल शानदार चीज़ है। यहाँ पर देखेंगे ऑल एल्युमिनियम ब्रैकेट आपको देखने को मिलेंगे, क्या बढ़िया चीज़ बनाई गई है। अब देखिए गाड़ी के फ्यूल टैंक को, फ्यूल टैंक की बात की जाए तो जो इसका फ्यूल टैंक है ना, बिल्कुल उस तरीके से रखा गया है कि गाड़ी के डिज़ाइन को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। 10.4 लीटर का फ्यूल आ जाएगा इसमें,
करीब 10.5 लीटर का, और गाड़ी का जो अपना वेट है 134 kg का है, जो कि बढ़िया सही लुक देता है इसको। साथ ही गाड़ी में जो 17 इंच के अलॉय हैं वो भी बिल्कुल जमते हैं इसके साथ। एक बार मैं आपको इसमें रियर से दिखाता हूँ। यहाँ पर देखेंगे 60th anniversary वॉर्ड GP एडिशन है, बहुत बढ़िया थाई लैंग्वेज लिखी है। मैं आज थाईलैंड में हूँ, गाड़ियाँ शूट कर रहा हूँ आपके लिए, आपको वीडियो लाइक करनी है तभी यामा इंडिया तक मैसेज पहुँचेगा कि लोगों को पसंद है गाड़ी, हमें बस लॉन्च करना है, फिर ये गाड़ी आराम से बिक जाएगी। और यहाँ से देखेंगे तो ऐसे कुछ दिखाई देती है पीछे से गाड़ी। अब जिस तरीके से यामा ने एक बिल्कुल नई गाड़ी बनाने में मेहनत करी, जिस तरीके से FZX है उस गाड़ी को ज़ीरो से बनाया है यामा ने, बहुत शानदार। FZ से उसको एक तरीके से इंस्पिरेशन मिली है, लेकिन गाड़ी ये थी उनके पास, ये लानी चाहिए थी ना, उनको लगा कि इसकी सेल्स ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इसका जो बंदा है कस्टमर और इसका बिल्कुल अलग है। इसके पास जो रॉयल इनफील्ड की मार्केट है वो भी आ सकती है, जो कि हंटर ने अभी कैप्चर करी है। और बाकी देखिए गाड़ी को साइड से, इसमें जो आपको इंजन मिलता है सेम टू सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है एक तरीके से। और जो आपको MT-15 देती है 19 horsepower का इंजन, जो कि 10,000 RPM पे देता है, और 14.7 Nm का टॉर्क, जो कि 8,500 RPM पे मिल जाता है। मेन बात है इसमें आपको VVA मिलता है, जो कि वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन है। 7,000 RPM क्रॉस होते ही इंजन की एक एडिशनल कैम यहाँ पर इंगेज होती है और बहुत शानदार पावर देती है। उसी के साथ आपको स्लिपर क्लच मिलता है, स्लिप एंड असिस्ट का फंक्शन देता है जो कि, और जो सबसे अच्छी बात है ना, जो इसका इंजन है पावर के साथ साथ माइलेज भी दे पाता है। 47.6 kmpl का माइलेज यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं, दिखाता हूँ कहाँ पर है, तो ये है 47.6 kmpl, बिल्कुल टेस्टिंग के बाद यहाँ पर लिखा गया है, ऐसे इंडिया की तरह नहीं लिख सकते हैं। बाकी ऐसी कुछ दिखती है गाड़ी पीछे से, ये देख रहे हैं आप इसकी MT-15 को। ये गाड़ी भी बहुत शानदार है, लेकिन फैमिली पर्पज़ के लिए ये गाड़ी उतनी प्रैक्टिकल नहीं है जितनी ये गाड़ी है। कितनी बढ़िया सीटिंग है पीछे, अगर आप यहाँ पर बैकरेस्ट लगा देंगे तो इसका जो पर्पज़ है बिल्कुल सॉल्व होता है। और पीछे से देखिए गाड़ी को, पूरा का पूरा यामाहा एक अपनी पूरी प्रोडक्ट उनके पास रेडी है, बस लॉन्च करने की देरी है। साथ ही देखेंगे पीछे 140mm का टायर है, जो कि 70 section है, साथ ही 17 inch का अलॉय है, बहुत ही बड़ा लगता है, उससे ज़्यादा बढ़िया टायर ये लग रहा है, क्योंकि ये डुअल पर्पज़ है और ऑफ रोड करेंगे वहाँ पर भी चल जाएगा। बाकी XSR में आपको 170mm का ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर ऑफर करते हैं, लेकिन गाड़ी का जो डिज़ाइन है ना बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्री डिज़ाइन है, पसंद किया जाने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे MT-15 में भी कोई कमी नहीं है, एक नेकेड लुक दिया गया है इसमें, बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है, सब कुछ है इसमें। साथ ही यहाँ पर आपको कास्ट एल्यूमिनियम स्विंग आर्म भी दे दी थी, जो कि इसमें ऑलरेडी मिलती थी, यहाँ भी मिलती थी, बस इंडिया में नहीं आती थी। लेकिन ये गाड़ी अलग सेगमेंट की है, इस सेगमेंट की अभी जो मांग है इंडिया में बहुत ही ज़्यादा है। अगर ये इंडिया में लॉन्च हो जाए मैं अपने लिए खुद खरीद लूँ, इतनी बढ़िया गाड़ी है। यहाँ पर आपको दिखाऊँ, बहुत ही बढ़िया सा एक मफलर है, साथ ही यहाँ पर ऑल एल्यूमिनियम है, ये कुछ एल्यूमिनियम है, ये भी प्लास्टिक है, ये तो इनकी डेल्टा बॉक्स जो चैसी है वो दी गई है, बहुत ही शानदार है। मतलब जो इसकी स्टिफनेस है, जो कंट्रोल ये दे पाती ना, सेगमेंट बहुत दूर दूर तक नहीं दे पाता है, सिर्फ जो KTM है वो इसमें ऑफर कर पाती है इतना बढ़िया सेगमेंट। अब जिस तरीके से होंडा भी 150 segment से गायब है, उनको भी कुछ ना कुछ लाना चाहिए, वहीं देखेंगे। यामाहा की ब्रांडिंग है, इनका वही जो लिक्विड कूल्ड इंजन है, जो कि शानदार पावर देता है, 19 horsepower बना रहा है और करीब 14.7 Nm का टॉर्क है। मेन बात है इसकी माइलेज के साथ साथ ये आपको पावर भी दे रहा है, लिक्विड कूल्ड इंजन है पूरा, जो कि यहाँ पर एक छोटा सा फ़ैन आप देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो इसका पूरा लेआउट ब्लैक में किया गया है। उसके साथ कुछ यहाँ पर कवरिंग में देख रहा हूँ, थोड़ा सा रेट्रो लुक, थोड़ा सा क्लासिक लुक और थोड़ा सा बोल्ड लगे गाड़ी। यहाँ से आप इसमें इंजन ऑयल डालेंगे, साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे इसका ऑयल फिल्टर प्लेस किया गया है। दूसरी तरफ ले चलूँ तो कुछ और चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर देखेंगे तो XSR की बेसिक ब्रांड बैजिंग है और स्विंग आर्म आपको कास्ट एल्यूमिनियम है। उसी के साथ पीछे ABS इसमें भी नहीं है, जिस तरीके से MT-15 V2 इंडिया में नहीं है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। साथ ही यहाँ पर आपको 6 speed का मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है, कुछ ये आपको एल्यूमिनियम का मिलता है। साथ ही ये चीज़ें देखेंगे तो किस तरीके की दिखाई देती है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको इसका वाटर पम्प देखने को मिलेगा, जो कि ऐसे कुछ पूरी कवरिंग के साथ है। बाकी ये आप देखेंगे इसका पूरा लिक्विड कूलिंग का सिस्टम आप देखेंगे, रेडिएटर है और बढ़िया सी यहाँ पर आपको USD सस्पेंशन मिलेंगे, जो कि ब्लैक शेड के साथ भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। कुछ यहाँ पर देखेंगे कुछ प्लास्टिक एलिमेंट्स दिए गए, बहुत बढ़िया लग रहे हैं। यामाहा की बढ़िया सी ब्रांडिंग, करीब 10.5 liter का फ्यूल टैंक है, जिसमें XSR यहाँ पर लिखा गया है, और ये ब्लैक शेड में भी बहुत ही बढ़िया लग रही है। मतलब गाड़ी ना उस तरीके की बनाई गई है कि इसका सेगमेंट बहुत ही बढ़िया है, इंडिया में ये गाड़ी बिल्कुल पॉपुलर हो सकती है। सीटें देखें कितनी वाइड है, लगभग यहाँ पर देख सकते हैं आप 7 inch के आसपास ये वाइड है, मेरा पूरा हाथ यहाँ पर आ जा रहा है। और अगर आप इससे देखें, ये मतलब बहुत ही कम है इससे,
इसमें सिर्फ यहाँ पर यही ग्रैब हैंडल्स है, लेकिन यहाँ पर तो पूरी सीटिंग है, कंफर्ट है, दोनों लोग बैठ के चलेंगे। इसमें आप बैकरेस्ट लगवा सकते हैं, बहुत ही एक्सेसरीज में अवेलेबल है, वो आप इजीली लगवा सकते हैं। इसकी सीटिंग इसकी सबसे बढ़िया यूएसपी है। होने को ये सीटें भी और बड़ी हो सकती थी, लेकिन ये भी जो सिंगल पर्सन चलता है उसके लिए बहुत ही बढ़िया डील है। और गाड़ी का जो वज़न है 134 kg ओनली, बहुत ही सही। पीछे आपको मोनो सस्पेंशन मिलेंगे जो कि येलो कलर के आप देख रहे हैं। एक यहाँ पर आपको एडिशनल टायर हगर दिया गया है, ये देखेंगे मड फ्लैप, क्वालिटी अच्छी है। कुछ यहाँ पर ब्रेक लैंप है, नॉर्मल सा इंडिकेटर है। 1500 रुपये में यहाँ पर आप LED लगवा सकते हैं जो कि और बढ़िया इसके लुक करेगा। साथ ही देखेंगे जो पीछे का मिरर है, थोड़े छोटे साइज़ का है, अभी बैठ के देखेंगे कितना कुछ है। बाकी गाड़ी की जो हाइट है ना 810 mm है, तो बड़े आसानी से आदमी बैठता है इसमें, वो इसका सबसे बढ़िया पॉइंट बनता है। और गाड़ी सच में लॉन्च की जानी चाहिए इंडिया में। पता नहीं यामाहा को क्या है कि इसको नहीं लॉन्च कर रही है, और FZX लॉन्च की जा रही है जिसमें ना ज़्यादा पावर मिलती है ना कुछ मिलता है। फिर भी मैंने पिछले दिनों वीडियो भी बनाई है, गाड़ी वो भी बहुत शानदार है, लेकिन हमारा जो सेगमेंट है इंडिया में ये गाड़ी को ज़्यादा पसंद करेगा। क्या चीज़ें देखिए इस तरीके से, मैं आपको दिखाऊँ अपना तो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा हूँ पूरा। और बहुत ही सही, मतलब सीटें ना ज़्यादा इसकी हार्ड है ना ज़्यादा सॉफ्ट है। उसके साथ यहाँ पर इसका पूरा फ्यूल टैंक है, जिस तरीके से आप चाहते हैं वो सारी चीज़ें आपको दी गई है। की को हटा के आप यहाँ पर डालेंगे, मतलब ये चीज़ें तो बेसिक सी है। मतलब कभी हमें मौका मिलेगा कि इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप से इसमें पेट्रोल भर पाए और फिर आपको गाड़ी चला के भी हम दिखा पाए। मतलब क्या शानदार गाड़ी है यामाहा के पास, लेकिन बस देरी है कि कब तक ये इंडिया में लॉन्च होगी। और ये कुछ देख रहे हैं आप इसके पूरे कंसोल को, और यहाँ पर देखिए टैंक की पूरी प्रोफाइल। ये पूरा फैब्रिक का टैंक है, इसके नीचे एक छोटा सा मेटल का टैंक आता है, तो उससे गाड़ी का लुक थोड़ा बढ़िया हो जाएगा। बाकी रस्टिंग का कोई इशू नहीं है। ये जो आप सारे होल्स देख रहे हैं ना, वही सब चीज़ों की है कि टैंक और ये फाइबर के बीच में थोड़ा क्लियरेंस बना रहे ताकि उसके पेंट को और जो कुछ उसमें प्रोटेक्शन की गई है वो ख़राब ना हो। बाकी इस गाड़ी के तो क्या ही कहने, जिस तरीके से आपको यामाहा की R15M इंडिया में मिल रही है, उसी तरीके से अगर सिर्फ इसे भी ऑफ़र किया जाए, ये सब ना ऑफ़र किया जाए, बस इसे भी ऑफ़र किया जाए जो कि इससे ऊपर प्लेस की जाएगी, फिर भी ये बहुत अच्छा काम कर सकती है। इसकी प्राइसिंग आएगी लगभग 2.25 लाख के आसपास। आप मुझे बताइए कितना जस्टिफाइड है। अब इंडिया में जिस तरीके से अभी आपको करीब 2 लाख के आसपास MT15 V2 मिल रही है, लेकिन ये गाड़ी की बात ही अलग है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ क्या सब कुछ है इसमें। पीछे 220mm की डिस्क है, सिंगल चैनल ABS है, ये थोड़ा डाउनसाइड आप कह सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को ये गाड़ी शहरों में चलानी है, बेसिकली नॉर्मल चलना है, उनके लिए पूरा पर्पस ये सॉल्व करती है, कोई शिकायत नहीं इसमें। बाकी ये कुछ रही थी गाड़ी, बिल्कुल एक रैंडम मैंने आपके लिए अपडेट किया हुआ है, आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और यहाँ पर मैं स्पेशल थैंक कहना चाहूँगा यामाहा थाईलैंड का, कितनी ज़्यादा शानदार गाड़ियाँ पेश कर रहे हैं और मुझे मौका मिला इन सारी गाड़ियों को आप सबके सामने पेश करने का। इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, मतलब 600 cc का यहाँ पर आपको एक स्कूटर देखने को मिलता है, जो कि इंडिया में आपको एक सुपर बाइक मिलने लग जाती है 600 cc में, ये स्कूटर यहाँ पर ऑफर कर रहे हैं। वो सब चीज़ें भी दिखानी है आपको। और ये सारे कलर स्कीम आपने देखी, क्या कुछ इसमें बचा, इसका बढ़िया सा यहाँ पर क्लस्टर मिलता है जो कि सर्कुलर है। ये बेसिक कंट्रोल है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर वाइट और रेड का कॉम्बिनेशन है जो कि आपको स्पोर्ट्स हेरिटेज वाली टोन देती है। यामाहा की बैजिंग, कुछ आपको ब्लैक स्ट्रिपिंग मिलती है, वर्ल्ड GP 60th एनिवर्सरी, ये स्पेशल बात थी इसके साथ। और साथ ही यहाँ पर आपने देखा, इसमें जब आप बैठेंगे ना, पैर आपके नीचे आएंगे सीधे, ऐसा नहीं कि MT की तरह आगे है पीछे ऐसे करना है, सीधे बैठेंगे तो कंफर्ट वाली चीज़ वो भी मेंटेन होगी। फुट ब्रेक देखेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से मेटल की कवरिंग दी गई है। पैरों की जो पोजीशन है ना, यहाँ पर लगभग नीचे ही आ रही है आपके कमर के, तो उससे अच्छा कंफर्ट मिल रहा लॉन्ग राइड्स में। और हाइट जैसे इसकी 810 mm है सीट की, तो जो 5.5-6 फीट का बंदा है बड़े आसानी से चलाएगा। अब देखिए मेरा पैर पूरा फ्लैट हो रहा है नीचे, जिसकी हाइट 5.3 फीट है वो भी एडजस्ट कर लेगा, ज़्यादा दिक्कत फील नहीं करेगा। सस्पेंशन हार्ड ही है इसके, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। बाकी जो USD सस्पेंशन है वो कॉर्नरिंग के लिए बनाया गया, ज़्यादा कंफर्ट देने के लिए बनाया गया, तो वो इसका प्लस पॉइंट आता है। और एक बार आप इसमें भी देखिए कि जो स्पेशल एडिशन है उसमें बैठ के कैसा फील होता है, तो ऐसे कुछ दिखाई देती है आपको। एक तरीके से बहुत शानदार पैकेज है, ये है यामाहा की XSR 155। और ये तो स्पेशल एडिशन, तो जो कलर है वो भी बिल्कुल जच रहा होगा, लेकिन जो ब्लैक टोन है वो भी बहुत शानदार लग रही है। साथ ही जो पीछे बैठेगा उसके लिए भी अच्छा कंट्रोल यहाँ पर, जो अच्छा कंफर्ट है वो मेंटेन किया गया। बाकी ये जो अच्छा सा मफलर यहाँ पर दिया गया, उसमें एक आपको फाइबर की कवरिंग मिलने वाली है। ये कुछ इसकी पूरी साउंड है, अगली वीडियो जो आएंगी वो इसके साउंड की और इन सब चीज़ों की आएगी। उसके लिए आप बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज एक बिल्कुल अपडेट आपको शेयर करा है, मतलब आपकी आंखें खोली है कि यामाहा क्या शानदार गाड़ी बनाता है। मुझे पता है कि आप सब इस गाड़ी को चाहते हैं कि इंडिया में लॉन्च हो, बस वो यामाहा के ऊपर है कब वो लाएगी इस गाड़ी को। और ये कुछ रही फिर आपके सामने, और बाकी गाड़ी बहुत शानदार है, जितनी बात की जाए इसके बारे में बिल्कुल कम है। एक हॉर्न देखेंगे तो ऐसे कुछ प्लेस किया गया है जो कि यहाँ पर है, और गाड़ी का जो रेडिएटर है वो आगे से दिखता है, कूलेंट यहाँ से इसमें टॉपअप हो जाएगा, और इस तरीके से डबल पिस्टन कैलिपर के साथ आपको यहाँ पर
फ्रंट की डिस्क ब्रेक मिलती है जो कि 282 mm की है। तो ये गुजर रही है आपकी गाड़ी। प्राइसिंग की बात की जाए तो 2 लाख से लेकर 2.25 लाख में इस गाड़ी को ला देना चाहिए, ओवर प्राइस नहीं करना चाहिए। फिर आपके पास हंटर जैसी शानदार गाड़ी 50,000 रुपये कम में देखने को मिलती है, जो कि 350 cc का लॉन्ग स्ट्रोक इंजन देती है। टॉर्क भी अच्छा है, लेकिन बात वही है जो इसका इंजन है जो कि रेव हैप्पी है, लो एंड में भी ठीक ठाक टॉर्क देता है। लेकिन जब आप भगाने की बात करेंगे, जो परफॉर्मेंस आप चाहते हैं, लगभग गाड़ी 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक पहुंच जाती है। अच्छी चीज़ है जो कि इसको एक पर्पस सॉल्वर बनाएगी हर किसी के लिए, ऑफ रोड भी करवा देगी, हाईवे में भी चल सकता है, शहरों में भी चलेगा और माइलेज भी अच्छी देगी और करीब 10 किलोमीटर ज़्यादा माइलेज दे सकती है हंटर के मुकाबले। बाकी ये अपनी जो MT15 है इसके तो क्या ही कहने, इसमें सब कुछ मिल रहा है, लेकिन बात वही है इसका जो डिज़ाइन है, पूरा पैकेज है, बहुत ही लिमिटेड बायर्स तक पहुंच पाता है। फैमिली वाला बंदा इससे थोड़ा दूर रहता है, कंफर्ट इसमें थोड़ा कम मिलता है, बैठने की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी लॉन्ग ट्रिप के लिए उतनी अच्छी नहीं है जिस तरीके से XSR उसमें मिल सकती है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई। पैर देखिए बिल्कुल नीचे पहुँच रहे हैं, जो गियर है वो ईज़िली यहाँ पर फिक्सअप है, स्लिपर क्लच है, तो ये प्लस पॉइंट बनता है। गाड़ी बहुत ज़्यादा शानदार पैकेज के साथ है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिएगा। यामाहा इंडिया तक मैसेज पहुंचाना है कि शानदार गाड़ी को इंडिया में लॉन्च किया जाए, कोई कमी नहीं इस गाड़ी में। ऑल एंड ऑल कहना चाहता हूँ बहुत शानदार गाड़ी है और मैं स्पेशली इन सेगमेंट की गाड़ियों को बहुत पसंद करता हूँ। तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मुझे बताएंगे गाड़ी कैसी लगी। मिलता है ऐसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।